आज पोस्टर और ट्रेलर रिलीज है हमारी फिल्म गेम ओवर का। एक भरपूर मनोरंजन से भरपूर एक फिल्म है, कॉमेडी है, धमाल है और पूरा मस्ती है इस फिल्म के अंदर। तो ये सोच के मत जाओ कि भैया इसके अंदर बहुत बड़ा मैसेज कोई मिलेगा या कोई संदेश मिलेगा, कोई झंडा उठा के नहीं, उसके लिए अलग फिल्म है। लेकिन ये फिल्म टोटल एंटरटेनमेंट है, बस गेम ओवर। मेरा इसमें इंस्पेक्टर का किरदार है, क्राइम ब्रांच का, जो कि इन सारे हीरो राजेश शर्मा वगैरह सबके पीछे पड़ा है और इनकी नाक में दम कर रखा है और कॉमिक भी है। मेरा इस मूवी में मैं कौन गर्ल का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, जो टारगेट करती है 50 से अबव के आयाश बुड्ढों को और कैसे उनको अपनी गेम में फंसाती है और गेम में फंसाते फंसाते एक दिन वो खुद उसी गेम का शिकार हो जाती है और फिर वो कैसे निकलती है और क्या करती है। नराई का कैरेक्टर है जो काफ़ी मतलब उसका परिवार जो है वो रहता है बाहर, वो अकेले इंडिया में रहता है और उम्र हो गई है, रिटायरमेंट की एज में है। तो रिटायरमेंट की एज में जिस तरह से लोग होते हैं उस तरह का कैरेक्टर है, कॉमेडी है, रंगीन मिजाज का आदमी है। तो इस फिल्म में किस तरह से ये लड़की कौन करती है सबको, अलग अलग लोगों को, मुझे भी करती है, बाकी लोगों को भी करती है, तो उसकी कहानी है, दिलचस्प कहानी है। ये मूवी टोटल जो सनाया का किरदार मैं निभा रही हूँ उसकी एक टीम ही होती है और मेरे अलावा इसमें राजेश शर्मा है, यशपाल शर्मा, राकेश बेदी जी हैं और तीन लड़के हैं उनके साथ। मुझे फर्स्ट टाइम सबके साथ काम करने का मौका मिला, बहुत अच्छा लग रहा है और काफ़ी दमदार और ठोस किरदार है ये। और आप सब लोगों को भी हर वक्त ये बात के रखा कि अब क्या होने वाला, अब क्या होने वाला, सो इट्स वेरी एक्साइटिंग। लड़कों के साथ बोलती हूँ कि मतलब है कि मतलब जितनी जल्दबाजी आपने सनाया को बेडरूम तक ले जाने में दिखाई थी उतनी जल्दी मेरे सवाल का जवाब भी दे दीजिए, डू यू हैव सेक्स विद सनाया और नॉट, तो वो देखने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। ऑडियंस को क्या कहना चाहिए? अगर आपको एंटरटेनमेंट चाहिए तो प्लीज गेम ओवर देखिए, आपको सब कुछ मिलेगा, कॉमेडी मिलेगी, मसाला मिलेगा, रोमांस मिलेगा, थ्रिलर मिलेगा, सब कुछ एक फिल्म में हमने डाल दिया है। तो वो क्या क्या मसाला हमने डाला है वो डिश अगर आपको जाननी है तो डिश का नाम है गेम ओवर, जानिए और देखिए गेम ओवर।